नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। जी न्यूज के आजादी कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ा सम्मेलन है ये आजादी का। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। दिन भर सरकार के मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं और देश की जानी मानी हस्तियों से हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो आपके सवाल हैं। आजादी कॉन्क्लेव के इस राउंड में हमारे साथ है योग गुरु रामदेव। बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या देश में हिंदू मुस्लिम योग बदल रहा है, आजादी ब्रिगेड के लिए क्या है रामदेव का संदेश। और ये बाबा रामदेव हमारे साथ है स्वतंत्रता दिवस की। बाबा रामदेव, आपको जी न्यूज परिवार से और व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी रूबिका जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजादी के इस 72वें वर्षगांठ पर मैं संपूर्ण देशवासियों को कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करता हूं कि 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की बदौलत, उनकी शहादत कुर्बानी की बदौलत जो हमें आजादी मिली, इस राजनीतिक आजादी के साथ साथ हमें आर्थिक आजादी, शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी चिकित्सा की आजादी, स्वदेशी खेती की आजादी, अपने देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित, वो लोग जो अभी इस आजादी के इस खुले आसमान में सांसें तो ले रहे हैं लेकिन उनको अभी आर्थिक और सामाजिक न्याय पूरा नहीं मिला है, समान शिक्षा और समान चिकित्सा का अधिकार नहीं मिला है, उनको भी यह हम अधिकार दिलाएं। और सवा सौ करोड़ भारतवासी गौरव और स्वाभिमान के साथ, समानता, एकता, स्वाधीनता के साथ जी पाए, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके लिए हम सब पुरुषार्थ करके अपना कर्तव्य निभाएं। स्वामी रामदेव, मैं आपको ट्रेंड का स्वामी भी कहती हूं और उसके पीछे वजह है ये योग जो एक टाइम तक सिर्फ साधु और संतों तक सीमित था, योद्धाओं तक सीमित था, उसे आपने घर घर तक पहुंचाया, आपने उसे एक ट्रेंड बना दिया। फिर आपने लौकी को ट्रेंड बनाया। आपको याद होगा कि लौकी को हर कोई पसंद नहीं करता था लेकिन आपने योगी के लौकी को भी ट्रेंड करवा दिया, इसीलिए आप ट्रेंड सेटर बने। फिर आपने राष्ट्रवाद का ट्रेंड सेट किया और वो घर घर में। आज मैं भी अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने में बहुत मुझे खुशी होती है, मुझे पसंद आता है कि कोई कहे कि तुम राष्ट्रभक्त हो। ये एक ट्रेंड है। आपने एक ट्रेंड वो भी चला कि पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट, स्वामी रामदेव, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई खरीदता है तो वो अपने आप में ट्रेंड है। स्वामी रामदेव, इसी ट्रेंड सेटर स्वामी से आज रूबिका लियाकत का एक सवाल है। ये जो एक शक और शुबा का माहौल हिंदू मुसलमानों में पैदा हो गया है, क्या स्वामी रामदेव हिंदू मुस्लिम एकता के भी ट्रेंड सेटर बन जाएंगे आजादी के दिन? आज देखो बहन, मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अभी एक नया ट्रेंड भी हम शुरू कर रहे हैं, वो कर चुके हैं। आज आजादी की इस वर्षगांठ पर डिजिटल आजादी के लिए किम्बो ऐप भी हमने लॉन्च कर दिया है, जो व्हाट्सएप का बाप बन करके, और आप देखना थोड़े दिनों के अंदर व्हाट्सएप जो है वो अतीत की बात हो जाएगी, वो भूतपूर्व हो जाएगा और अभूतपूर्व कार्य करेगा किम्बो। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से वो बेचारे दलित, शोषित, वंचित, बेसहाय, बेबस, मजलूम लोग जिनके जिंदगी में घर में कमाने वाला एक होता है, उनके जाने के बाद पूरा घर तबाह हो जाता है, उनके लिए हमने स्वदेशी समृद्धि कार्ड लॉन्च किया, जिसके जाने के बाद भी हम उसको 5 लाख रुपए की मदद करेंगे। जहां तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न है, अभी हमारे में पतंजलि आयुर्वेद के जिस फूड पार्क में बैठा हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमने फूड पार्क बनाया, लगभग यहां 30% हमारे मुस्लिम भाई हैं। अभी पतंजलि में हमने तिरंगा फहराया तो हमारे मुफ्ती पूरे अपने सब शिष्यों के साथ वहां कर, अपने पूरे परिवार के साथ 3 साल के बच्चे को भी गोद में लेकर के, उसके हाथ में तिरंगा लेकर के और भारत माता की जय बोलते हुए पतंजलि योगपीठ तक आए। हम सब ने मिलकर के यह आजादी का पर्व मनाया है। और ये मैं मानता हूं हमारे जो है मजहब चाहे जो हो जाए, हमारे पूर्वज एक है, हमारा वतन, हमारी मातृभूमि, मादरे वतन हमारा एक है और हम सब मिलकर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई दलितों के नाम पर, कोई मुसलमानों के नाम पर, कोई ओबीसी के नाम पर, ये तरह तरह की दीवारें यहां पर जो खड़ी हो रही है, इस भारत को जातिवाद से, इस भारत को मजहबी उन्माद से,
तमाम तरह के अपराध से, और ये जो जहर हमारे भीतर घोला जा रहा है उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था, फूट करो, फूट डालो, राज करो, उसको हमें मिटाना होगा। और एक बन करके, नेक बन करके, कर्म को अपना धर्म समझ करके और राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर का धर्म समझ करके मैं आगे बढ़ना होगा। मैं यही संदेश देता हूं और लाखों करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं। पहले तो मैं इस बात को नहीं कहता था, लेकिन आज इस बात को कहता हूं। जब करोड़ों लोग मेरे प्रति आस्था रखते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, मजहब ये दूसरे दर्जे की बात है, देश धर्म ये पहले दर्जे की बात है। अच्छा स्वामी रामदेव, अब मैं आपसे, क्योंकि आप बड़े टाइम के बाद टीवी पर आ रहे हैं और साक्षात्कार दे रहे हैं, इस बीच बहुत सारी चीजें गुजर गई है। पहले तो मैं ये 4 साल का जो सफर हिंदुस्तान का देख रहे हैं बाबा रामदेव, वो कैसे देख रहे हैं? चार साल का ये जो सफर है, एक वक्त था जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हमने 5 साल तक चलाया। और उस राजनीतिक वैक्यूम में, उस राजनीतिक शून्य में, जब चारों तरफ निराशा का, विश्वास का वातावरण था, नेताओं से, राजनीतिक दलों से भरोसा उठ रहा था, तो मोदी जी को एक विकल्प के रूप में लोगों ने चुना और उन्होंने वो जो लाखों करोड़ के घोटाले थे उन पर अंकुश लगाया। आज मोदी जी के इस कार्यकाल में एक भी कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। 100 से ज्यादा उन्होंने विकास की योजनाएं शुरू की, चाहे वो जनधन योजना के तहत गरीब लोगों के खाते खुला करके सब्सिडी का लाभ उनको डायरेक्ट दिलवाया, चाहे इस देश के अंदर नोटबंदी और जीएसटी लागू करके आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में कदम आगे बढ़ाया, सर डिजिटल इंडिया है, चाहे स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत अभियान है, मानी सभी दिशाओं से देश को अच्छा बनाने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये देश बनाने वाले मुद्दे तो हैं, ये नेशन बिल्डिंग वाले मुद्दे हैं, लेकिन वोट बैंक वाले मुद्दे मोदी जी लेकर के नहीं चले। मुझे लगता है मोदी जी को एक देश के प्रति एक दूरगामी दृष्टि होने की वजह से ये अलग अलग दिशाओं से काम शुरू हुए। आज पूरे देश में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इसका श्रेय किसको है? इसका श्रेय गडकरी जी और मोदी जी को है। चारों तरफ देश के अंदर एक आशा और विश्वास का वातावरण बना है कि हम अपने देश में भी अच्छा करके अपने देश को भी अच्छा बना सकते हैं और अपने जीवन में भी समृद्धि के नए सोपान खड़े कर सकते हैं, हम एंटरप्रीनियरशिप खड़ा कर सकते हैं। और वो पतंजलि ने खड़ा करके दिखाया बिना किसी सरकारी सहयोग के। सरकारें इतनी चाहिए कि उनकी नीयत अच्छी हो, उनकी नीति अच्छी हो, उनकी नीयत, उनकी नीति और उनका नेतृत्व तो ठीक हो, बाकी तो 125 करोड़ भारतवासी यदि 2-2 हाथ देश को बनाने में लगाएंगे तो 250 करोड़ हाथ राष्ट्र के सृजन में लगेंगे, देश आगे बढ़ेगा। स्वामी रामदेव, विपक्षी ये कहते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी मैं पढ़ती रहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास का तो पता नहीं, लेकिन स्वामी रामदेव का और पतंजलि का विकास तो 100% हुआ, इनफैक्ट 400% हुआ है, आरोप ये लगते हैं आप पर। अच्छा मेरी बहन बताओ, पतंजलि ने सरकार की किसी योजना का, सरकार के किसी मंत्रालय का, सरकार के किसी भी प्रकार की सहायता का कोई किसी भी रूप में हमने सहयोग लिया हो तो बताइए। हम बस इतना कहते हैं सरकारों का काम है लोगों के हाथों में जो है बेड़िया, उनके हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया मत डालो, जुबान पर ताला मत लगाओ। जो हमें संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स दिए हुए एक नागरिक के नाते, वो हमें दीजिए, बाकी हम बहुत कुछ देने में समर्थ हैं इस देश को। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगाए, आरोप तो भगवान राम और कृष्ण पर भी लगे थे, तो रामदेव की तो औकात हैसियत क्या है? इसलिए मैं आरोपों की परवाह नहीं करता। इस मातृभूमि के प्रति जो मेरा फर्ज है उसको अपना कर्ज मान करके कि मातृभूमि का मैं ऋण अपने सिर पर लेकर के नहीं जाऊंगा, मातृभूमि के ऋण से मुझे उऋण होना है, इस संकल्प के साथ हम सेवा करते हैं। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो गाली खा करके और फिर सेवा करने की किसी में हिम्मत हो, कोई जो है गाली प्रूफ हो, वो व्यक्ति इस देश में कामयाबी के शिखर चढ़ सकता है। हमने किया, लोग चाहे हमें गाली दें, चाहे मान करें सम्मान करें, हम अपना काम करेंगे। अच्छा स्वामी रामदेव, ये महागठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए ये बात थोड़ी ज्यादा गहरी है, इसलिए
मैं इस पर कोई बड़ी टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गठबंधन यदि एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वो मायावती जी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, और उसके साथ साथ अब चाहे ममता जी हैं, उधर से चंद्रबाबू नायडू जी हैं, शिवसेना के भी जो विद्रोही तेवर हैं वो सब देख रहे हैं, यदि एक व्यापक तौर पर गठबंधन होता है तो 2019 की जो टक्कर है चुनाव की वो 2020 मैच की तरह जबरदस्त हो सकती है। अरे वाह, आपने मेरे सवाल का ऐसा ऐसा जवाब दिया है बाबा रामदेव, ना विपक्ष इसे समझ पाएगा और ना ही सरकार इसे समझ पाएगी, लेकिन वेल प्लेड मैं इस पर ये कह सकती हूँ स्वामी रामदेव। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये एनआरसी का मुद्दा, और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आप हमेशा देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे में ये एनआरसी का जो मुद्दा असम से उठा है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में भी लागू इसे किया जा सकता है, क्या क्या स्वामी रामदेव को भी लगता है कि घुसपैठिए अब पूरे हिंदुस्तान में घर कर गए हैं? देखिए, इसमें मैं मोदी जी के साथ साथ अमित शाह की हिम्मत को दाद देता हूं। इस पूरे कार्य के पीछे अमित शाह जी की एक बहुत दीर्घकालिक उनकी प्रतिबद्धता और ये संकल्प कि 3 से 4 करोड़ घुसपैठी इस भारत में रहते हैं, ये आवाज में पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में उठाता रहता था, लेकिन क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं, हम तो खाली सत्य को स्वर दे सकते हैं, लेकिन उसको हकीकत में तब्दील करने का काम करने के पीछे कोई प्रतिबद्धता, एक हिम्मत दिखाई, तो वो आदरणीय अमित शाह ने हिम्मत दिखाई मोदी जी के नेतृत्व में। एक भी अवैध नागरिक, चाहे वो बांग्लादेश से है, चाहे पाकिस्तान से है, चाहे वो अमेरिका से, कोई भी दुनिया का अवैध नागरिक भारत की धरती पर नहीं रहना चाहिए। और रोहिंग्या तो उसमें उनको जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई है वो बड़ी खतरनाक है। एक कश्मीर हम की आग हम बुझा ना पाए, ऐसे 100 कश्मीर देश में और पैदा हो जाएगी। एक भी अवैध नागरिक हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, और ये 3 से 4 करोड़ जो अवैध नागरिक रह रहे, इनका इंतजाम होना ही चाहिए, और उसके लिए ये जो कदम उठाया गया है मैं इसकी सराहना करता हूं। और इससे भी आगे का एक, उसके लिए लोग आलोचना कर सकते हैं कि अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदू शरणार्थियों को हम भारत में शरण देंगे। उन हिंदू शरणार्थियों को क्यों शरण देंगे, इसका एक लॉजिकल कारण है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता की गई है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दो मुल्क बने, वहां पर जो हिंदू रह गए थे उनके साथ कितने जुल्म और ज्यादतियां हुई, आखिर वो कहां जाएंगे? बांग्लादेश के अंदर जो रहने वाले हिंदू हैं उनके साथ कितने जुल्म और ज्यादतियां होती हैं, और वो हिंदू कोई भी देशद्रोही गतिविधि में सम्मिलित नहीं है, ये बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। इसलिए क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि कई हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान से यहाँ आसरा लेने के लिए आई थी वो वापस चली गई, उनको हम आसरा नहीं दे पाए, उनको हम परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दे पाए, तो क्या आपको ये पॉलिटिकल जुमला नहीं लगता है? हाँ, उनको आश्रय, उनको उनके लिए नहीं, ये एक बहुत गंभीर बात आपने कही है, और मैं मानता हूं कि जो पहले लोगों के साथ जुल्म जाती हुई उनके साथ उनको इंसाफ नहीं दे सके, अपने भाइयों को हम शरण ना दे सके, आखिर हम यदि हिंदुस्तान में हिंदुओं को शरण नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो उसके लिए जो पिछले लोगों को कष्ट और तकलीफें हुई, उस तरह से दूसरे लोगों को कष्ट और तकलीफें नहीं होंगी। अभी भी मेरी कल भी अमित जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनके भीतर एक प्रतिबद्धता देखी कि जो पहले भूल हुई है वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, राजनीतिक जुमला नहीं होगा, ये सच में उनकी एक प्रतिबद्धता है, उसको करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अच्छा, अमित शाह का आप इतना जिक्र कर रहे हैं, ऑन अ लाइटर नोट सुनने में आया है कि आप अमित शाह को खूब सारी एक्सरसाइजेस और योग सिखा रहे हैं, काफी उनको मदद कर रहे हैं फिट एंड फाइन होने में? अमित जी जो है वो हमारा योग भी फॉलो करते हैं, और आंवला एलोवेरा जूस उसको नियमित रूप से सेवन करते हैं, गिलोय का काढ़ा रोज पीते हैं, इसलिए उन्होंने करीब अपना 25 किलो वेट कम किया है, और खाने में भी 7 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते हैं, तो उन्होंने जो योगिक लाइफस्टाइल है
उस भारतीय जीवन पद्धति को, योग जीवन पद्धति को उन्होंने अपनाया है और उसका परिणाम वो बहुत फिट है और आगे भी इस देश के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अच्छा, आपने योगिक लाइफस्टाइल की बात की तो मुझे योगी आदित्यनाथ याद आए। आपने तो योगी जी को भी धमका दिया, स्वामी रामदेव ग्रेटर नोएडा में हम हटा देंगे अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे। नहीं नहीं बहन, हम तो इसमें तो कोई गलत बात, खैर मैंने बोली भी नहीं। पूज्य आचार्य जी ने एक बात ये कही थी कि राम और कृष्ण की धरती पर हम किसानों की समृद्धि को लेकर के, यहाँ के जो है बेरोजगार युवाओं को लेकर के गंभीर हैं और हम ये काम करना चाहते हैं। अब सरकार सहयोग नहीं करेगी तो कैसे कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा एक बार, ये तो इतनी बात तो अपने घर परिवार में भी हो जाती है और उस कहा सुनी के बाद में चीजें अच्छी हो गई हैं। और अब नोएडा में एक बड़ा काम पतंजलि करेगा। और आपकी जानकारी के लिए आजादी के इस पर्व पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमने पिछले करीब एक महीने के अंदर 11,000 युवाओं को रोजगार दिया है और आने वाले 2 महीने में लगभग कुल 20,000 युवाओं को हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सेल्स में हम ये अवसर दे रहे हैं अपने करियर बनाने का। और एक एक हमारा DSM जो है वो लगभग 12 से 15 हजार से अपनी यात्रा शुरू करेगा और वो आने वाले 2-3 सालों में 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक का अपने कैरियर के अंदर सैलरी पा सकेगा। ये अवसर हम अपने भारत के युवाओं को दे रहे हैं जो आज तक किसी विदेशी कंपनी ने नहीं दिलाया। हमेशा वो थर्ड पार्टी पर काम करती थी और शोषण करती थी। अच्छा स्वामी जी, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे एक ट्वीट आया है कि धमकाने की बात नहीं है, स्वामी रामदेव किसी से नहीं डरते हैं, आप उनसे ये जरूर पूछिएगा। और उसके बाद उन्होंने एक आपका वीडियो डाला है, ये वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर चला था स्वामी जी, आपको भी पता होगा, जिसमें आप कह रहे हैं कि किसको देंगे आप वोट बताइए, जो 35 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल देगा या 80 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल देगा, 50% उस पर टैक्स लगाएगा या फिर सिर्फ 1% टैक्स लगाएगा। अरे इतना अर्थशास्त्र तो मैं भी जानता और समझता हूँ। तो 4 साल बीत जाने के बाद जब 70-80 क्रॉस कर गया है पेट्रोल और डीजल का दाम, स्वामी रामदेव अपनी उस बात पर टिके हुए हैं या उसे दोहराएंगे, बताएं किसे वोट करेंगे आप? आप लोग जो है बहुत पुराने सत्य लेकर के आ रहे। स्वामी रामदेव अपने सत्य पर अड़ी गए। मैं मानता हूं कि डीजल और पेट्रोल के ज्यादा दाम नहीं होने चाहिए इंटरनेशनल बाजार में। डीजल और पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उसके दाम कम है, तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। और उस समय बीजेपी का तमाम शीर्ष नेतृत्व इस बात से सहमत था और हमारे स्वर में स्वर मिला रहा था। मैंने तो पूरा देखो, मैं तो किसान का बेटा हूं लेकिन अर्थशास्त्र की सारी गहराइयों को समझता हूं और अर्थशास्त्र समझता नहीं, अर्थशास्त्र को चलाता हूं और इस देश में एक आर्थिक आजादी का अभियान शुरू हमने चलाया हुआ। तो मैं मानता हूं कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए। लेकिन मोदी सरकार ये तर्क देती है कि देश को चलाने के लिए हमको टैक्स भी चाहिए, तो सारा टैक्स जो है वो डीजल और पेट्रोल पर उड़ेल दिया है, तो यदि इसको कम कर देंगे तो बहुत कृपा होगी। स्वामी रामदेव, जरा ये बताइए, जो पार्लियामेंट में हुआ था जप्पी, उसके बाद कभी अखिया चुराऊ कभी अखिया मिलाऊ, रामदेव ने जब वो सारी तस्वीरें देखी तो रिएक्शन क्या था? और देखिए मुझे सच्ची बात बताइएगा स्वामी। अरे वो झूठी बात बोलता है कब, वो हमारी बहुत प्यारी बहन हो हमारी। आप देखो एक बात तो मैं कहूंगा, हमारे राहुल जी ने मेहनत तो करनी शुरू कर दी है। देखो मैं साधु हूं, मुझे बेबाक बोलना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए। सच में राहुल जी ने मेहनत करनी शुरू की है और उनका उस दिन का पार्लियामेंट का भाषण काबिले तारीफ था। मैंने भी थोड़ा भाषण सुना, मैं किसी कार्यक्रम में था जो, लेकिन बाद में जो उन्होंने आंख मिचोली खेली उससे खेल थोड़ा बिगड़ गया। इसलिए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनको थोड़ी गंभीरता भी लानी पड़ेगी। और भारत और भारतीयता के गुर किसी भारतीय गुरु से सीखने पड़ेंगे। ये आप गुरु बनेंगे राहुल गांधी के? देखो ये तो
जो शिष्य बनना चाहता है उससे पूछे कि वो किनको गुरु बनाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे चुनाव आयोग बड़ा चल रहा है। हमारे द्वार तो सबके लिए खुले हुए, बाबा तो सर्वदलीय और निर्दलीय है। आज इस वक्त आजादी कॉन्क्लेव में आप मेरे साथ देख रहे हैं, स्वामी रामदेव जुड़े हुए हैं, जो आपके घर घर तक भी पहुंचे हुए हैं, योग के जरिए, राष्ट्रवाद के जरिए, बाकी जितने भी, और पतंजलि का एक आध प्रोडक्ट तो आपके घर पे होगा, ये तो मैं कह ही सकती हूँ। तो स्वामी रामदेव, योग, चुनाव योग 2019 में सबसे ज्यादा यही काम करने वाला है, तो आपका चुनाव योग कौन सा वाला है? नहीं, एक आजकल योग आयोग भी बन रहा है। छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई, अभी गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि में ये आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस 2019 के चुनाव में योग यही होना चाहिए कि सब मिलकर के एक ऐसी सरकार चुने, सब मिलकर के देश को बनाने के लिए वोट करें। माने जाति मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बीमारियों से मुक्त भारत, लाचारी गरीबी से मुक्त भारत हो, उसके लिए हमें एक बड़े विजन के साथ वोट करना होगा। मुझे लगता है ये सबके योग के साथ में 2019 के चुनाव का सबसे बड़ा सहयोग होना चाहिए, और इसी से ये देश आगे बढ़ेगा। आपने मेरे बहुत चीजों की बात की, एक बात को फिर आप भूल जा रहे हैं कि आजादी के इस पर्व पर हमने स्वदेशी डिजिटल आजादी का किम्बो ऐप लॉन्च किया, जो व्हाट्सएप से कई गुना ज्यादा उसके अंदर फीचर्स हैं। माने व्हाट्सएप का बाप हमने लॉन्च किया, उसकी भी आप थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है स्वदेशी के एक और आयाम की ओर इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक आजादी, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि की और डिजिटल आजादी को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हम सच्चे अर्थों में आजाद कहलाएंगे। और रूबिका, आपके जो सोच है और आप जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हो, मुझे लगता है मेरी तरह से बहुतों को सुबह से आपने इस गर्मी में और ज्यादा पसीने छुड़वाए हो। स्वामी रामदेव, अगर आपके पसीने छूट रहे तो आप समझ जाइए कि देश की जनता को इस वक्त ये सेशन बड़ा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि रामदेव किसी भी सवाल को डक नहीं करते हैं। वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, जितना शरीर उनका फ्लेक्सिबल है उतना जहनी तौर पर भी फ्लेक्सिबल है, उनको पता है कैसे किस सवाल का जवाब देना है। लेकिन स्वामी रामदेव, जरा ये बताइए कि काले धन पर भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। काले धन के जो लंबे चौड़े आंकड़े स्वामी रामदेव ने दिए थे, उनमें से 0.1% भी नहीं आ पाया है, वो थ्योरी तो कंप्लीटली फेल हो गई। लियाकत बिन सियासत का ये दरबार ही कुछ ऐसा है। इसमें एक बात तो मैं कहूंगा रूबिका जी, देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन था उसके ऊपर तो मोदी जी और आदरणीय जेटली जी के प्रयासों ने एक बड़ा काम किया। और जो है अब टैक्स चोरी करना और तमाम तरह की हेराफेरी करना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन देश की सीमाओं के बाहर जो क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी गया उसको वापस लाने में उतनी सफलता नहीं मिली है सरकार को जितनी मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी सरकार को और बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी से देश का और भरोसा मजबूत होगा सरकार के ऊपर। नहीं तो काला धन अभी भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ, और मुझसे भी लोग पूछते हैं, बोले मोदी जी काला धन कब लाएंगे, बाबा जी बताएंगे। ये हमारे कांग्रेसी मित्र मेरे से रोज पूछते हैं, और बड़े बड़े कई बार रुकिए होनर रुकिए, मुझे 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 ये और सवाल होल्डिंग और पूछने बैनर भी दीजिए, लगा बड़ा देते। शानदार सवाल है। अच्छे दिन कब मोदी आएंगे जी ये बाबा जी काला धन बताएंगे। कब लाएंगे ये बाबा बताएंगे, मोदी जी वाले अच्छे दिन कब आएंगे ये स्वामी रामदेव बताएंगे, बताइए स्वामी रामदेव। नहीं, रूबिका लियाकत, ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, आप तो एक बहुत अच्छी पत्रकार है, इसलिए इन प्रश्नों को उन्हीं के लिए छोड़ दीजिए। आज देश की जनता में कांग्रेस के समर्थक भी आते हैं, तो मैं उनके सवाल आप तक पहुंचा रही हूं, पर बताइए ना स्वामी, आप सवाल नहीं, सवाल से नहीं भागते हैं। अच्छे दिन आ गए हैं कि आने बाकी हैं, जैसे काला धन आना बाकी है। नहीं देखिए, अच्छे दिन लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, आर्थिक असमानता
और कई प्रकार का जो अन्याय, शोषण, और जिस तरह से यहाँ पर मजलूम लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, अब असहाय बेबस लोग हैं, और किस किस तरह से क्या क्या प्रश्न हमारे देश में नहीं है। आज देखो, जब देश आजाद हुआ था तो मैं कहता था रुपया, डॉलर, पाउंड तीनों की कीमत बराबर थी। आज 70 गुना ज्यादा पावरफुल है एक डॉलर, हमें खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते। 70 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है अमेरिका की करेंसी, 70 रुपए। ये तो कभी नहीं हुआ था। और पौंड और जो है यूरो का भी बहुत, माने करीब 100 रुपए, माने 100 गुना ज्यादा हमसे वो ताकतवर हो गए आर्थिक दृष्टि से, और हम पिछड़ गए। तो हमें आत्ममूल्यांकन तो करना पड़ेगा, तो सभी दिशाओं से देश को आगे ले जाना पड़ेगा। और ये मात्र एक सरकार की बात नहीं है, इसमें समाज को भी योगदान देना पड़ेगा। सरकार और समाज जब दोनों साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। आज मोदी जी का सम्मान तो हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन आज तक भी हम यूएन के सदाई स्थायी सदस्य तक नहीं बने, डब्ल्यूटीओ में हमारी कोई चलती नहीं है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हमें गिनता नहीं है। माने भारत की हैसियत अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी लगभग आबादी होने के बावजूद भी हमारी इंटरनेशनल बिरादरी में वो इज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। उसके लिए देश को सभी दिशाओं से और मजबूत बनाना पड़ेगा। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम सबको मिलकर के भी साथ देना पड़ेगा, तब भारत आगे बढ़ेगा। और भारत जब ताकतवर होगा, चाहे किसी भी पार्टी का राज हो, तब हमें पूरी दुनिया में सम्मान मिल पाएगा, भारत के नागरिकों को भी, भारत की करेंसी को भी, और भारत के कैरेक्टर को, भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी। ये शानदार बात कही स्वामी रामदेव आपने कि पार्टी से किसी को मतलब नहीं, हिंदुस्तान से मतलब है, राष्ट्र से मतलब है। जो इस राष्ट्र को आगे ले जाएगा उस राष्ट्र, उस शख्स के साथ, उस पार्टी के साथ पूरा देश चलेगा। ये वाकई काबिले तारीफ है स्वामी रामदेव। और इसीलिए मैं अब इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जा रही हूँ। जब आप ये कहते हैं कि हम सबको मिलकर आगे चलना होगा, उसमें स्वामी रामदेव भी है, उसमें रूबिका लियाकत भी है, उसमें बाकी तमाम लोग भी मौजूद हैं, व्यूअर्स भी हमारे हैं, ऐसे में स्वामी रामदेव जब गौ रक्षक दल मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जब इस तरीके की खबरें आती है, और वो भी तब जब गाय को हमारे इस देश में माता का दर्जा दिया जाता है, उसे बचाने के लिए एक इंसान का कत्ल कर दिया जाता है, और वही हमारी माता कचरे के ढेर में प्लास्टिक खाती हुई दिखती है। स्वामी रामदेव, आपने भी ये तस्वीरें कई मर्तबा देखी होगी, किसी फंक्शन में आते हुए जाते हुए, और आपने भी कई दफा उफ किया होगा, और उन नकली गौ रक्षकों को दिल से आपने कोसा होगा कि इनको क्यों नहीं बचाते हैं, इन गायों के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं। देखिए रूबिका जी, आप एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार हूं, और मैंने आपकी कई रिपोर्ट्स देखी, यद्यपि मैं बहुत कम टीवी देख पाता हूं, लेकिन आपकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, आपके पराक्रम को, आपके जज्बे को, और आपकी हिंदुस्तानियत को। मैंने, आप मजहब से ऊपर हिंदुस्तानियत को रखती हैं। जहां तक गाय की बात है, क्योंकि गाय जो है वो कोई मजहबी जीव नहीं है, गाय हम सबका कल्याण करने वाली एक बहुत अच्छी जाति है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा जो है, उर्दू भाषा में हर चीज को जानवर कहते हैं, हम उसको पशु का दर्जा नहीं, हम उसको मां का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि उससे सबका कल्याण है। गो रक्षक भी गुनाहगार है और गो भक्षक भी गुनाहगार है। जो गो रक्षक है वो कई बार, जब देखो लगभग लगभग पूरे देश में, सभी स्टेट्स में, एक दो स्टेट को छोड़ करके सभी जगह गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, फिर गो कशी के लिए गो लेकर के कैसे चले जाते हैं, इसका मतलब पुलिस प्रशासन फेल हो जाता है, तब वहां गो रक्षक बेचारे खड़े हो जाते हैं, और वो भी कई बार जो है सीमाएं, मर्यादा, हद पार कर देते हैं, वो भी जो है अपराध के भागी है। लेकिन जो गो भक्षक, उनको माने गो हत्यारे, वो भी तो अपराधी है, जो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से गो को कत्ल खानों में लेकर के जाते हैं। मैं तो कहता हूं इसका समाधान एक बड़ा है रूबिका जी। आजादी के दिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आह्वान करता हूं कि लगभग 98% स्टेट्स के अंदर गो हत्या पर प्रतिबंध है, तो देश की संसद में मोदी जी गो हत्या पर प्रतिबंध का एक कानून ले आए, तो न गो रक्षक, न गो भक्षक, न गो हत्यारे और न गो की जो है गो रक्षक, इनके बीच का जो संघर्ष है गायब हो जाएगा। मोब लिंचिंग भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये किसी भी तरह से जो है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए,
हिंदू, इसमें हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, और भारत बदनाम हो रहा है कि अभी भी भारत एक भीड़ का देश है। कब हमारे अंदर सभ्यता आएगी, कब दुनिया में के लोग जो है वो हमको सही नजरों से देखने लगेंगे, एक रैपिस्ट कंट्री के रूप में, एक मॉब लिंचिंग वाले कंट्री के रूप में, एक इंसान की कत्ल करने वाले, चाहे वो गाय के नाम पर, चाहे मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले देश के रूप में यदि दुनिया में पहचानती है, तो ये बहुत शर्मशार करने वाली बात है। ये कलंक भारत माता के माथे पर नहीं लगना चाहिए। बहुत ही शानदार नोट है, मैं इस पर ख़त्म करना चाहती हूँ। लेकिन इस बीच डॉक्टर लियाकत का मेरे पास एक मैसेज आ गया है, और वो मुझे अपने 2 साल के बेटे का याद का जिक्र करते हुए याद दिला रही है कि उन्हें कुछ आए ना आए, उन्हें कपाल भाती ज़रूर आता है स्वामी रामदेव का। तो जाते जाते क्या स्वामी रामदेव वो कपाल भाती दिखाएंगे देश की जनता को? लोग कपाल भाती भी दिखा देते हैं और भी बाकी प्राणायाम भी आप बता देते हैं, क्योंकि अब तो अब ये मेरे तामझाम हट सकते हैं। वैसे भी मैं बंधन पसंद नहीं करता हूं, तो आपको मैं ये जो है प्राणायाम, क्योंकि योगी योग ना बताए, ये जो अलग अलग तरह के हमारे फिल्मों में काम करने वाले जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर होते हैं, वो भी अपना अपना कर्तव्य तो दिखाते हैं, तो बाबा जो है बैठे बैठे आपको थोड़ी जगह में योग हो जाता है। ये गहरे श्वास ले, बहुत समस्याएं है देश में, बहुत पोल्यूशन है देश में, पर्यावरण तो बहुत बड़ी समस्या है। विकास के इस दौर में हमने हवा पानी मिट्टी सब कुछ दूषित कर दिया है, जिएंगे कैसे? तो पेड़ भी लगाएं, प्रकृति को भी बचाएं, योग अपनाएं। भस्त्रिका के बाद, और योग करने से किसी का मजहब नहीं बदलता, जीवन बदलता है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। ये और हो सके तो फिर अगला भी कार्यक्रम बड़ा जबरदस्त है। और ये अनुलोम विलोम तो स्ट्रेस दूर कर देता है। इसके 5-7 राउंड भी कर लिए तो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो योग की जय हो, भारत माता की जय हो, रूबिका बहन की जय हो, और गांव गरीब मजदूर किसान की जय हो, आज हिंदुस्तान की जय के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वामी रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और देश की जनता के जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसे देखकर भी लग रहा है कि आपकी बातों को बहुत पसंद किया जा रहा है।